आपकी दुकान कितनी पुरानी है सर? बहुत पुरानी है मैडम। फतेहपुरी चौक पर लांबा जी की दुकान पर जरूर आइए। इनके ड्राई फ्रूट की चमक और इनके चेहरे की चमक का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते आप। हरी बावली की सैर करेंगे, यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स के और मसालों के रेट देखेंगे और एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट और स्पाइस मार्केट को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका है, और वो भी मेरे साथ। तो एक बार सरसरी सी निगाह मार लीजिए, यहाँ के शानदार ड्राई फ्रूट्स की चमकती हुई क्वालिटी, शानदार ड्राई फ्रूट्स बिक रहे हैं और यहाँ पर गुच्छी भी मिल रही है। ये बहुत महंगी मशरूम है, बहुत टेस्टी होती है और ज्यादातर 5-स्टार होटल्स में ही मिलती है। हरी बावली आने का सबसे आसान तरीका है कि आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएं और वहाँ से रिक्शे से या पैदल ही यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। फतेहपुरी चौक पर यह है फतेहपुरी मस्जिद और उसके साथ चाइनाराम हलवाई की दुकान है, बहुत ही फेमस दुकान है। बस यहीं से मैं खारी बावली का टूर शुरू करती हूँ, आप मेरे साथ साथ चलते रहिए और देखते रहिए। मैं आपको उन सब के रेट्स भी बताऊंगी और उनकी क्वालिटी भी चेक कराऊंगी। जैसे ही आप मस्जिद पहुँचते हैं, मस्जिद के साथ से ही ड्राई फ्रूट की दुकानें शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर थोक रेट में और रिटेल में भी आपको ड्राई फ्रूट मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आप रेट देखकर हैरान रह जाएंगे, 380 रुपए किलो तो मखाना मिल रहा है। इसी तरह सभी तरह के ड्राई फ्रूट में भी रेटों में बहुत फर्क है और इस तरह की एक नई लाइन से दुकानें हैं, मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये देखिए, 300 रुपए किलो भी मखाना मिल रहा है और मखाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स के रेट देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। 2200 रुपए किलो तो आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की इलायची मिल रही है, 400 रुपए किलो जीरा मिल रहा है और 1200 रुपए किलो बड़ी इलायची मिल रही है। 1000 रुपए काली मिर्च है और 440 रुपए जीरा की दूसरी क्वालिटी है। लौंग मिल रही है 1100 रुपए की और फूल वाला जो मसाला है वो है 1400 रुपए किलो। 700 रुपए किलो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की दालचीनी मिल रही है, ये देखिए, और पीपली मिल रही है 1000 रुपए किलो। ये 1000 रुपए किलो पीपली है, ये देखिए, इस तरह की क्वालिटी है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी, बहुत ही अच्छे रेट में आपको इन दुकानों पर मिल जाएगी। मस्जिद के एकदम साथ ही है ये दुकानें, फतेहपुरी की मस्जिद है ना, उसके साथ में ही आपको ये दुकानें मिल जाएंगी। इसके बाद मैं आपको साथ साथ लेकर चल रही हूँ, बिल्कुल भी वीडियो को मैं आपको पॉज नहीं करके दिखा रही हूँ, डायरेक्ट दिखा रही हूँ, सीधा सीधा चलती जा रही हूँ। इसके बाद ये दुकानें पड़ती हैं और इसके बाद एक और आ गई है ड्राई फ्रूट की दुकान। क्योंकि ये होलसेल मार्केट है, रोज थोड़े बहुत रेट घटते बढ़ते रहते हैं। 600 रुपए किलो अमेरिकन गिरी आज भी मिल रही है और काजू 760 रुपए किलो, 520 रुपए किलो कागजी बादाम और 780 रुपए किलो अखरोट की बढ़िया गिरी मिल रही है। अगर आपकी रिटेल की दुकान है तो भी आप इन दुकानों से सामान ले सकते हैं। दुकानों के नाम जो दिखा रही हूँ ना, साथ में फोन नंबर भी लिखे हैं, तो आप ध्यान से जूम करके उन नंबर्स को भी देख सकते हैं ताकि अगर आपको सामान लेना है तो आप उनसे बात कर सकें। वीर जी, छुआरा 360 रुपए किलो, अच्छा 320 रुपए किलो भी, और ये अखरोट की गिरी 760, और भी कोई अखरोट है? 1200 रुपए किलो वाला भी है, वो तो बहुत बड़ी साइज है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा साइज, 760 रुपए किलो, 960 रुपए किलो, 840 रुपए किलो, बहुत सारी वैरायटी है अखरोट की। ये कॉर्नर वाली दुकान है और ये आ गया फतेहपुरी चौराहा। अब ये फतेहपुरी चौराहे से ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, दुकानें ड्राई फ्रूट की चलती जा रही हैं, यानी कि एक के बाद एक ड्राई फ्रूट की दुकान है। वीर जी, बढ़िया काजू 180 नंबर क्या रेट मिलेगा? 900 रुपए किलो। और ये बादाम अमेरिकन है ना? हाँ जी, करारा है, बढ़िया है, टेस्टी है। और ये किशमिश सुंडे खाने, ये दुकान का नाम, फोन नंबर भी लिखा है, तो आप यहाँ से फोन नंबर जूम करके देख सकते हैं। खालसा स्टोर है ये, और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मैं आपको बोर्ड्स इसलिए दिखा रही हूँ कि इस पे फोन नंबर्स लिखे हैं, आप जूम करके अगर आपको रिटेल की दुकान पर काम करना है तो इनसे बात कर सकते हैं। और ये बीच में सड़क है और इसके दोनों तरफ दुकानें हैं, तो मैं दोनों तरफ की दुकानें आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही कंजस्टेड है ये इलाका, बहुत भीड़ है, पैदल चलने के लिए भी टकरा टकरा कर चलना पड़ रहा है, क्योंकि त्यौहार आ रहा है ना, होली है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा भीड़ है। होली से रिलेटेड होली की मालाएँ भी मिल रही हैं, और ये तो वैरायटी बहुत अच्छी है भाई साहब आपकी दुकान पर। हाँ जी, नहीं, ड्राई फ्रूट वाकई बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से पिछली बार भी लेकर गई थी और आपका काजू बहुत ही अच्छा निकला, अखरोट भी बहुत अच्छा निकला, रेट भी अच्छा था, खजूर भी बहुत अच्छा निकला आपका, खजूर, हाँ जी, इस तरह की पैकिंग, ये बहुत अच्छा निकाला आपने होली पर। इस तरह की प्लेट्स ले जाइए तो आप किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट इसमें लगा कर दे देंगे, 600 रुपये से शुरू हो जाती हैं इस तरह की प्लेटें तो। और ये तो आप जूम करके देखिए, इनकी क्वालिटी भी देखिए, रेट्स भी देखिए, देखिए बहुत पुरानी पुरानी दुकानें हैं ये, तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। और होलसेल के रेट हैं तो आप यहाँ पर क्वालिटी और रेट्स आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा दूसरी दुकानों में भी, और वैरायटी तो है ही,
तो आप आराम से यहाँ पर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पहुँच कर इन दुकानों से शॉपिंग कर सकते हैं। अब ये आगे ये दुकान आ गई और चलते चलते ये देखिए फिर से ड्राई फ्रूट की दुकान आ गई। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जूम करते जाइए, मैं आपको बोर्ड भी दिखाती हूँ, मुकेश कुमार एंड ब्रदर्स। और ये लाइन से ना अब फिर से ड्राई फ्रूट की सारी दुकानें शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और ये होली की मालाएं टंगी हुई हैं, होली आ रही है तो। और ये रंग गुलाल भी मार्केट में बिक रहे हैं, खारी बावली में रंग गुलाल भी बिक रहे हैं, पटरी पर लेकर बैठे हैं ना। और ये होली की मालाएं, इसकी भी ज़बरदस्त शॉपिंग हो रही है। मैं आपको लेती चल रही हूँ, पूरा टूर दिखा रही हूँ। इतना ज़बरदस्त टूर ना आपने किसी भी खारी बावली की वीडियो में देखा नहीं होगा। वीडियो बनाने वाले एक दुकान में घुसते हैं और एक दुकान में ही चार पांच चीज़ों के रेट दिखा देते हैं, क्वालिटी दिखा देते हैं, बाकी की दुकानें नहीं दिखाते। मैं अपनी वीडियो में ऐसा नहीं करने वाली, पूरी मेहनत करके बना रही हूँ। और एक नहीं दो दो वीडियो डालूंगी, गली बताशे वाले की भी डालूंगी, पान मंडी की भी डालूंगी। कई लोग व्यापार करना चाहते हैं पान का, 50 पैसे का पान खरीद कर 500 रुपये में आराम से बिक जाता है, अच्छी जगह पर बेचना आना चाहिए। ये देखिए 380 रुपये किलो छुआरा। तो मैं पान मंडी की भी डाल रही हूँ, गली बताशे वाली, जहाँ पर कि टॉफ़ी चॉकलेट चीनी गुड़ का व्यापार होता है थोक में लेकर आप रिटेल में। ये देखिए होली की मालाएं। तो मैं सभी जगह की ये पुरानी दिल्ली की बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ। हाँ जी लामा जी, राम राम। आपकी दुकान कितनी पुरानी है सर? बहुत पुरानी है मैडम, बहुत पुरानी है। और दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम है लांबा। लांबा जी, हाँ जी लांबा। फतेहपुरी चौक पर लांबा जी की दुकान पर जरूर आइए। इनके ड्राई फ्रूट की चमक और इनके चेहरे की चमक का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते आप। बहुत ही चमचमाती दुकान है, ड्राई फ्रूट शानदार है और रेट की चिंता नहीं कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रेट है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही उम्दा क्वालिटी मिलने वाली है और शानदार रेट पर। तो होली की खरीदारी कर रहे हैं फतेहपुरी चौक पर, खारी बावली, पुरानी दिल्ली, लांबा जी की दुकान नंबर वन। और इसके बाद आती है जैन स्टोर। आप क्वालिटी और रेट जूम करके ढंग से चेक कर लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वालिटी कितनी अच्छी है और रेट कितना अच्छा है। मैं साथ साथ चलती जा रही हूँ और आपको इस वीडियो में एक नहीं बहुत सारी दुकानें दिखाने वाली हूँ। ये देखिए साइड में ना दुकानों के सामने पटरी के दूसरी तरफ भी ना यहाँ पर ठेले लगा लगा कर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं, लेकिन आप ना इनसे ड्राई फ्रूट नहीं खरीदिएगा क्योंकि तोल में भी मारते हैं और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं देते। दुकानों से लीजिएगा, ये न्यू मुल्तान स्टोर है। दुकानों पर भीड़ बहुत है क्योंकि अभी ना त्योहार चल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं हर दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर लोग इसलिए भी खरीदारी करने आते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी इनको बहुत अच्छे रेट में मिल जाती है। और ये खुम्बी है जो कि कश्मीर से आती है, ये जो इनकी दुकान पर मिल रही है मुल्तान स्टोर पर। क्या भाव है भैया ये खुम्बी, क्या भाव है भैया? 3000 रुपए किलो खुम्बी मिल रही है। और इस दुकान पर ही देखी है मैंने ये खुम्बी। और लोग बाग कह रहे हैं जल्दी दे दो, जल्दी दे दो, बहुत भीड़ है इस दुकान पर, यानी कि यहाँ की क्वालिटी और रेट सबसे अच्छे हैं। और ये मस्जिद है, बिल्कुल मस्जिद के साथ में है ये दुकान। ये देखिए मैं इस समय खड़ी हूँ मस्जिद के बाहर और मस्जिद के इधर ही है मुल्तान स्टोर। और ये है सुरेंद्र कुमार, पवन कुमार। भैया काजू का रेट कितने से शुरू हो जाता है? 600 रुपए से। और फिर मैक्सिमम कितना है? 150 नंबर काजू 1200 रुपए किलो। अच्छा, और 180 1160। और किशमिश का रेट 380 से शुरू है, 520 440। और ये मिक्स ड्राई फ्रूट 600 रुपए किलो, अंजीर 960 रुपए किलो। मुल्तान स्टोर से मैंने आधा किलो गुच्छी खरीदी है और पवन कुमार सुरेंद्र कुमार से मैंने किशमिश और काजू भी खरीदा है। फतेहपुरी मस्जिद का एक गेट तो उधर था चाइना राम की तरफ और एक गेट यहाँ पर है, इसके एक तरफ मुल्तान स्टोर है और दूसरी तरफ सुरेंद्र कुमार पवन कुमार। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और दुकानें। इसके सामने ना ये खजूर वाले भैया भी बैठे हैं, ये देखिए टेस्ट करा रहे हैं। और खजूर की भी एक नहीं बहुत सारी वैरायटी है इनके पास, ये देखिए ये भी बेच रहे हैं। ये है अफगान स्टोर, लेकिन ना भीड़ बहुत है, जब भी आप आए तो ध्यान से आइएगा क्योंकि ना यहाँ पर जेब भी कट सकती है। ये देखिए अब ये दुकान, एक एक करके सारी दुकानें, सारी ड्राई फ्रूट की। और पटरियों पर बिना सामान बिक रहा है, होली का टाइम है ना, कलर गुलाल रंग पिचकारियां सभी बिक रहा है। मैं दोनों तरफ दिखाती जा रही हूँ आपको, मैं बीच में पटरी पर चल रही हूँ। इधर तो दुकानें हैं, ये देखिए इधर तो दुकानें हैं।
ये सारी दुकानें, और इसी पटरी पर दूसरी तरफ ये पटरी पर सामान बिक रहा है। यहाँ पर होली का सामान बिक रहा है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी बिक रहा है। यानी कि इसी पटरी के एक तरफ दुकानें हैं और एक तरफ पटरी पर दुकानें लगी हैं छोटे छोटे ठेलों पर, और वहाँ पर भी ड्राई फ्रूट बिक रहा है। आप जूम करके रेट देख सकते हैं। दुकान का नाम है पिंडी किराना स्टोर, फोन नंबर भी लिखा है, आप इनसे फोन पर भी रेट टैली कर सकते हैं। अब ये रघुनाथ चाय वाले की दुकान है, यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट मिल रहा है। ये देखिए भीड़ हर दुकान पर है। रोड पर दिखाऊं क्या हाल है, ये देखिए ठेले लदे पड़े हैं सामान से। ये और मसालों की इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि छिकते छिकते बुरा हाल हो जाने वाला है आपका। ठेलों पर बोरे के बोरे लदे हुए हैं लाल मिर्चों के, और कितने सारे ये देखिए खड़े हैं यहाँ पर रिक्शे ठेले। यहाँ पर सभी तरह के आटे भी मिल रहे हैं, और ड्राई फ्रूट की दुकानें तो मैं आपको दिखाती हुई चल ही रही हूँ। लाइन से दुकानें हैं, यहाँ पर हींग मिल रहा है और यहाँ पर पास्ता मिल रहा है। ये चावलों की कचरी है, सभी तरह का पास्ता मिल रहा है होलसेल रेट पर। यहाँ पर पास्ता की दुकानें हैं, ये सब सामान आपको होलसेल रेट पर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर थोक रेट में साबुन भी मिलता है, आप देख सकते हैं हाथ धोने का, नहाने का, सभी तरह का साबुन यहाँ पर मिलता है। तो रेटों में फर्क होता है, मार्केट रेट से कम रेट में मिलता होगा ना यहाँ सामान। अच्छा, यहाँ पर कुट्टू का आटा और सारे मसाले मिलते हैं। मचाते हुए रिक्शे जा रहे हैं भरे हुए, इन लोगों की हिम्मत है किस तरह इस रिक्शों को भर कर गलियों में ले जाया जाता है। गलियों में होलसेल की दुकानें हैं। ये है गड़ौदिया मार्केट। गड़ौदिया मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है खारी बावली की, और ज्यादातर थोक का यहीं पर ही माल बिकता है। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट और मसाले खरीदने हो तो जरूर यहाँ पर आइएगा, लेकिन ये गलियाँ इतनी ज्यादा संकरी हैं कि यहाँ पर बिना धक्के खाए बिना टक्करे खाए आप अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पर जितने भी सेठ बैठे हैं अंदर, लाला लोग बैठे हैं, इनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर काम कर रही हैं बहुत टाइम से। और ये गड़ौदिया मार्केट के बाहरी दुकान है जहाँ पर लाल मिर्च मिल रही है, और लाल मिर्च की वैरायटी तो देखिए आप, इतने बड़े साइज की लाल मिर्च मिल रही है, मैंने पहली बार देखी है लाइफ में इतनी बड़ी मिर्ची। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट मिल रहा है और लेडीज भी यहाँ पर काम कर रही हैं। वाकई में इंडिया तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये है हिना का नंबर, अगर आपको कोई सामान लेना हो तो आप इनसे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप जूम करके इनके रेट देख सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ये सामान अपने घर के लिए या रिटेल में सामान बेचना हो तो आप इनसे जरूर लीजिएगा। देंगे मैं नहीं जा रही। कांशीराम चुन्नीलाल जी की दुकान है ये। रेट और क्वालिटी मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए कि आप जूम करके देख सकें, क्वालिटी और रेट कंपेयर कर सकें, चेक कर सकें। यहाँ पर चाय पत्ती भी मिल रही है, तरह तरह की क्वालिटी मिल रही है, और हाँ रेट वाजिब है। इससे कम रेट पर इससे अच्छी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, इस बात की तो गारंटी है। यहाँ पर मखाने 200 रुपए किलो। ये दुकान है राम सिंह घनश्याम दास, और यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया है सामान। क्वालिटी और रेट आप जूम करके जरूर देखिएगा, जरूर आइएगा इस दुकान पर, बहुत ही अच्छी प्यारी छोटी सी दुकान है। और यहाँ पर फॉरनर्स भी बहुत आते हैं सामान खरीदने के लिए, पुरानी दिल्ली घूमने के लिए। आप देख सकते हैं जमकर खरीदारी हो रही है और स्पाइसेस की धूम मची है। और ये दुकान है, यहाँ पर सेंधा नमक और काला नमक की बहुत सारी वैरायटी मिलती है। यहाँ पर आपको ये मुलेठी भी मिल जाएगी, सुपारी मिल जाएगी, ये क्या भैया ये शिरेता है कोई जड़ी बूटी है, ये भी मिलती है। और यहाँ पर फिटकरी की बहुत सारी वैरायटी है, और ये देखिए ये सारी हर्ब्स हैं यहाँ पर जो मिल रही हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं जो इस दुकान पर मिलती हैं आपको। गुलाब के फूल की पंखड़ियाँ हैं सूखी हुई, जिसका गुलकंद बनता होगा शायद। और ये दुकान है हरी गोकुल लाहौर वाले, लाहौर वालों की दुकान है। लाहौरी नमक तो वैसे ही बहुत फेमस है। तो आपको कैसी लगी खारी बावली की सैर मेरे साथ? बहुत ही शानदार लगी ना, इस तरह खारी बावली आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी।
बहुत ही भीड़ भाड़ है। सर पर रखकर ये लोग पेटी लेकर जाते हैं ना, वो बार बार सर में टकरा रही है, मेरी 3-4 बार टकरा चुकी है। पटरी पर भी इस तरह की दुकानें सजी होती हैं, लेकिन आप उनसे सामान सोच समझ कर ही लीजिएगा। दिखाएंगे कुछ और, देंगे कुछ और। दुकानों से ही माल खरीदेगा। अगर आप दुकानों से सामान खरीदते हैं तो आपको तोल भी पूरा मिलेगा, क्वालिटी भी वही मिलेगी जो आपको चाहिए। होली आ रही है ना, तो रंग गुलाल पिचकारी सब जगह मिल रहे हैं। ये सामने 15 नंबर वाली दुकान है, चावल वालों की दुकान, बहुत ही फेमस दुकान। फतेहपुरी चौक से जैसे ही आप सीधा सीधा आएंगे तो आपको ये दुकान दिखाई देगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट और मसाले, आपको सभी कुछ सामान मिलता है। खारी बावली आने वाला 15 नंबर चावल वालों की दुकान पर जरूर आता है और उनसे सामान लेकर जाता है। ये मैं आपको भीड़ दिखा रही हूँ, और सामने चौराहा है जो आपको शायद भीड़ की वजह से दिख भी नहीं रहा होगा। भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये सड़क है बीच में जो आपको पटरी जैसी लग रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इसी तरह ये पूरी मार्केट है। मैं आपको दिखाती दिखाती चल रही हूँ बाकी की दुकानें भी, ताकि आपको पता लगे कि ये कितनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पर कितनी दुकानें हैं, ताकि जब आप आए तो आप महसूस कर सके पुरानी दिल्ली की महक को। और ये देखिए, यहाँ पर रिक्शे लदे पड़े हैं, ठेले हैं, एक फैक्ट्री है। ठेलों पर सामान लदकर होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट्स में इस तरह जाता है। आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं लगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है।